एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स बाय जैस्मिन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे एंड वी ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड टुडे आई एम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी चटपटा रेसिपी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए बनाते हैं चटपटा सा पापड़ी चाट घर पे, बिल्कुल होममेड एंड हाइजीनिक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है 5 टेबलस्पून ऑफ मैदा एंड उसमें मैंने डाला है अजवाइन और अब मैं डाल रही हूँ वाइट ऑयल एंड इसे अच्छे से करना है मिक्स। खस्ता करना है हमें, तो उसमें ऑयल थोड़ा मैं ज़्यादा डालूंगी एंड इसे अच्छे से मिक्स करूंगी जब तक यू नो यू आटा ऐसे बंधा ना जाए। अब समझ रहे होंगे आई थिंक। सो बिल्कुल उस तरह से एंड यहाँ पे अब मैं हल्का हल्का पानी डालकर जो है इसे एक टाइट डो बनाऊंगी। बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है क्योंकि हमें पापड़ी बनाना है और उसे फ्राई भी करना है। तो यहाँ पे बहुत ही जो है सख्त मैंने जो है डो को बनाया है। अब मैं इसकी छोटी छोटी गोलियाँ काट रही हूँ। तो या गाइज मैं जो है छोटी छोटी पूरियाँ बेलूंगी और एक दूसरे से स्टिक कर लूँगी। ऑलमोस्ट 20 to 25 पूरियाँ आपको एक ही जगह ऑयल लगा कर जो है स्टिक करना है एंड उसके बाद यू नो एक के ऊपर एक इस तरह से रखना है। उसके बाद मैं फोक से इसे थोड़ा सा यूँ वो कर दूँगी, समझ रहे हो ना। उसके बाद मैं इसे बिल्कुल धीमी आँच में फ्राई करूँगी एंड धीमी के बाद आप मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई कर लीजिए, अच्छा सा ब्राउनिश कलर आ जाए। देन इसे बस आप निकाल लेना है एंड ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना फिर वो बिल्कुल जला सा अजीब सा कलर भी मैटर करता है ना कभी कभी। तो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे फ्राई हो चुका था मेरा पापड़ी चाट एंड सबसे बड़ी रीज़न है कि जितनी पतली एंड यू नो थिन ये होगी उतना क्रिस्पी होगा। एंड सी गाइस इतना क्रिस्पी पापड़ी चाट आई थिंक बाज़ार में बहुत चार्ज करता है बट इट टेस्ट याम। घर पे बहुत मज़ा आया, मन भर के खाओ पेट भर के खाओ, कोई नहीं आपको रोकने वाला। सो नाउ आवर पापड़ी इज़ ऑल सेट ऑल रेडी एंड अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। एंड शाम का वक्त हो चुका है, सब ने जो है अब नाश्ता वगैरह करना है तो मैं यहाँ पे प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना हस्बैंड का प्लेट लगा रही थी बट इससे पहले मैंने अपने ससुर जी को दे दिया था एंड माय फादर इन लॉ वाज शॉक्ड कि मैंने ये घर पे बनाया है एंड उन्होंने मेरी तारीफ बहुत की कि ये बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बना है एंड इसलिए मुझे बहुत यू नो मोटिवेट करता है। जब आपका खाना कोई खाकर तारीफ कर देना तब जाकर दिल को सुकून मिलता है कि मज़ा आ गया बनाकर भी और खाकर भी। हाँ तो जी यहाँ पे मैं प्लेटिंग कर रही थी, सबसे पहले मैंने डाला पापड़ी और उसमें बॉइल आलू अनियंस दही डाला एंड उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर एंड फिर मैं डालूंगी लास्टली होममेड इमली की चटनी। आप ज़रूर से सेव डालना क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने नहीं डाला। एंड गाइस ये क्या लग रहा था, इतना लाजवाब क्रंची क्रिस्पी पापड़ी चाट घर पे बना हुआ और क्या ही चाहिए। तो बस गाइस इसी तरह की चटपटा रेसिपी के लिए मुझे ज़रूर फॉलो करें एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। कमेंट करो, लाइक करो एंड इस वीडियो को अपने फूडी पर्सन के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।